नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में मुजाहिद भारती, आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की ओर। मानव सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता। बता दें कि मानव सेवा समिति पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी तारतम्य में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रांगण में स्लो साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों से लगभग 400 बच्चों ने हिस्सा लिया। मानव सेवा समिति के संयोजक विजय उपल ने बताया कि आगे भी वह इसी तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहेंगे। साथ ही आगामी समय में गुना में मिनी मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और उनके सपनों की उड़ान मिलनी ही चाहिए। वहीं आज के प्रतिभागियों में छात्र छात्राओं की अलग अलग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये सभी प्रतियोगिताएं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही हैं। इन सभी प्रतियोगिताओं के बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से समिति के सदस्य मौजूद रहे, जिनमें किशन सिंह ठाकुर, बांकेराव कांबले, सोहेल जंगलवा, राकेश मिश्रा, विनोद नायक, लोकेश शर्मा, मुरारी शर्मा, राहुल झा, हिम्मत सिंह रघुवंशी, बीडी शर्मा, संजीव उप्पल, के आप काप से शशि शर्मा, रमाकांत चौबे, शेखर उप्पल, आनंद जैन, गोविंद अग्रवाल, विजित उप्पल, अभिषेक रघुवंशी, धीरज नामदेव, बिट्टू एवं शिवम शर्मा आदि उपस्थित रहे। एक दो तीन अब वो 20 बच्चों को और कर दूंगा। बेटा पापा का मोबाइल नंबर अभी है ना, फॉर्म नंबर तेरा क्या था? 105 चल में दे दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दिया, देखो प्रैक्टिस की बात। वेलकम आने के तो दो आने दो, आगे अभी हो रहे हैं, आगे अभी हो रहे हैं। चलो भाड़ ले ले बेटा, भाड़ अंदर ले जाओ, अंदर ले भैया। और ये वर्ष हम युवा उत्सव के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज हमने स्लो साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इसमें एज ग्रुप रखा था 10 से 18 वर्ष, और विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। लगभग 310 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। और इसमें सबसे सराहनीय बात यह है कि हमारे दो NRI भी इसमें शामिल हुए हैं हमारे सहयोग देने के लिए। इसमें मिस्टर सुहेल कुमार जांगलवा जो दुबई से आए हुए हैं, और मेरा बेटा जो लंदन से आया हुआ है, वो भी इस प्रतियोगिता में सहयोग के लिए शामिल हुआ था। और एक बात और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आज की जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देने का घोषणा मिस्टर सुहेल कुमार जांगलवा ने की है कि अपनी तरफ से फर्स्ट सेकंड प्राइज़। क्या इसमें प्राइज़ रहेंगे बच्चों के जिन्होंने? नहीं, ये अभी नहीं बताएंगे हम, ये प्राइज़ हम बाद में सरप्राइज़ 11 तारीख को हाँ सरप्राइज देंगे। उसके साथ साथ जो लास्ट ट्रैक हुआ है उन सब बच्चों को भी हम कंसोलिडेट प्राइज़ देंगे। हमेशा से देखा जाता है कि मानव सेवा समिति, चूँकि आपकी संस्था का नाम मानव सेवा समिति है, लेकिन क्या आपको बच्चों से ऐसा स्नेह है कि हमेशा देखा जाता है कभी चित्रकला प्रतियोगिता तो कभी बच्चों में बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर इस तरीके की प्रतियोगिता या मिनी मैराथन बच्चों को लेके आप करते हैं? ऐसा कुछ खास बच्चों से आपको स्नेह है या कोई आपके प्रेरणादायक जिनसे आप ये करते हैं?
नहीं, बच्चों को प्रति तो मैं कहता हूँ हमारे जितना ग्रुप है सभी बच्चों को लेकर तो बड़ा उत्साहशील रहता है। ऐसा नहीं, हम लोग बुजुर्गों के लिए भी काम करते हैं। हमने 90 साल से ऊपर के जितने आयु के ऊपर के वृद्ध थे उनको सम्मेलन में हमने सबको सम्मानित किया था विगत 2 वर्ष पूर्व। उसके साथ साथ हमारा जो गरीब असहाय या इस तरीके का वर्ग है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, हमारी सोच है कि उनको हम थोड़ा आगे लाएं, उनमें जीने का उत्साह बढ़े और थोड़ी उमंग पैदा हो, ये हमारी सोच है। जैसा कि साथी उपल ने आप सबको बता ही दिया है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था मोहजिद भाई कि मानव सेवा समिति बच्चों के लिए क्यों इतना उत्साहवर्धक है। आज हम सब जानते हैं पूरी दुनिया बच्चों की है, युवाओं की है, हमारा देश भी मैं अब सबसे ज़्यादा आबादी आने वाले समय में बच्चों की या युवाओं की होने, तो हम सबका कर्तव्य है। हम ज़्यादातर इस मानव सेवा समिति के सदस्य इस मायने के हैं, इस मन में ये बात रखते हैं कि आने वाला समय चूंकि युवाओं और बच्चों का है, इसलिए अभी से उनमें इस तरह की बीज डाले जाएँ कि वे अपने प्रति, समाज के प्रति इस चेतना का भाव उसमें जागृत हो। उसी का परिणाम थी आज की ये प्रतियोगिता, ये केवल प्रतीकात्मक थी। हम इस तरह के बहुत सारे आयोजन करेंगे ताकि बच्चों के व्यक्तित्व का पूरा विकास हो सके। आज की प्रतियोगिता में आपने देखा होगा कि बच्चियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज जो बच्ची प्रथम आई है उन सबको मैं बधाई देता हूँ। जो लोग जीते हैं, जो बच्चे हारे हैं, उनको भी हमारी मानव सेवा समिति प्रोत्साहन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। बच्चियों के ग्रुप में प्रथम आने वाली बच्ची थी खुशी कलासिया, दूसरे नंबर पर आई सृष्टि और तीसरे पर सलोनी। और बच्चों के वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया हेमंत रघुवंशी ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया अभिषेक धाकड़ ने और तीसरा स्थान प्राप्त किया वरुण शर्मा ने। तो आने वाले समय में हम और इस तरह की गतिविधियों का आयोजन करेंगे ताकि बच्चों का न केवल व्यक्तित्व का विकास हो बल्कि शारीरिक स्तर पर भी उन्हें सुदृढ़ता प्राप्त हो। शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना एवं मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना के संयुक्त तत्वावधान में पेंशनर डे महोत्सव एवं जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त आयोजन सोनी कॉलोनी स्थित मॉडर्न चिल्ड्रन स्कूल में रखा गया, जहां शहर भर के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारीगणों को यहां बुलाया गया था। साथ ही 75 वर्ष के ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यहां शाल एवं श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारीगण यहाँ उपस्थित रहे। हमारे सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत उनके द्वारा एक स्वागत गीत के रूप में होगा। तो राजस्व विभाग में इन्होंने अपना सेवा काल दिया,
पेंशनर डे महोत्सव पेंशनर्स जो हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं उनके संघ बना हुआ है, और उसमें हर वर्ष प्रतिवर्ष पेंशनर डे महोत्सव एवं जिला सम्मेलन मनाया जाता है। अच्छा, और ये इस वर्ष जो जिला पेंशनर डे का जिला सम्मेलन मनाया जा रहा है वो मॉडर्न हायर सेकेंडरी स्कूल एवं पेंशनर संघ के संयुक्त तत्वाधान में मनाने की व्यवस्था की गई। अच्छा, इसके अलावा ये कार्यक्रम आज 17 तारीख का है स्टार्टिंग में। अच्छा, इसके अलावा 75 वर्षीय पेंशनर साथियों का परिचय कराया जाएगा और उनको जो 75 वर्ष के हो गए उनको सम्मानित किया जाएगा, शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 11 से 12 बजे तक का कार्यक्रम जो है वो 75 वर्षीय पेंशनरों का परिचय कराया जाएगा। 12 से 2 बजे तक के कार्यक्रम जो है वो मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार जी गुप्ता, अतिरिक्त अपर जिला एवं न्यायाधीश के आतिथ्य में संपन्न किया जा रहा है, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश सिंह कुशवाहा, श्रीमती संतोष अरोरा और श्री रामवीर सिंह जी रघुवंशी, श्री संजय श्रीवास्तव, और इसके अलावा अध्यक्ष हमारे पेंशनर संघ के जो अध्यक्ष हैं श्री पी के मुखर्जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। पैसे के लेनदेन में युवक पर किया जानलेवा हमला। मामला विगत 2 दिवस पहले का बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित सौरभ जैन पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को पीड़ित से पैसे लेने थे, जिसके लिए उन्होंने पीड़ित को एकांत क्षेत्र में बुलाया और फिर उस पर हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार हमलावर 4 थे और चारों ही उसके परिचित हैं। घटना के तुरंत बाद पीड़ित को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पीड़ित के परिजनों की माने तो पुलिस ने इस मामले में आरोपी पक्ष पर अभी तक कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की है। इसकी वजह पूछने पर पीड़ित के परिजनों ने बताया कि आरोपी पक्ष की नेताओं से साठगांठ है, जिसके चलते पुलिस पूरे मामले में ढील बरत रही है। यही जानकारी है कि ललित मामा जिनने पहले फ़ोन करके इसको बुलाया, बाद में इन तीन जनों को मुकेश सोनी, इलियास खान और पवन खटी, इनको बुला लिया। बाद में हाथापाई होने लगी इनकी और जी नीचे गिर गया। किसी ने इसमें ललित नाम का है जो व्यक्ति, उसने जेब से कुछ चाकू वगैरह निकाल के इसके गले पे वार कर दिया। पहले इन 3-4ों ने इसको लात घूंसों से मारा है और फिर इनने कुछ हथियार निकाल के इसकी गली पे मार दिया। कब की घटना है ये? जी 7:45 बजे, कल 7:45 बजे, हाँ रात 7:45। अच्छा, तो इसमें पुलिस का संज्ञान इस मामले में? पुलिस ने कंप्लेंट तो लिख ली है, लेकिन वो जो है कमजोर कंप्लेंट लिखी है उनने, कोई राजनीतिक उसके कारण। कौन से थाने का मामला है? गुना सिटी कोतवाली। क्या वजह, क्या आप मानते हैं इसके पीछे जो घटना हुई है? कुछ नहीं, इसको 20-25 हजार रुपए का जो है लेन देन है, तो उस चक्कर में उन लोगों ने चेक भी लगा रखे कोर्ट में, इसके बावजूद भी पहले भी इस पर 1-2 बार अटैक करे हैं। तो मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला गुना की कार्यकारिणी का निर्वाचन आज हुआ संपन्न। गौरतलब है कि हर 2 वर्ष में मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की जिला समितियों का नवीनीकरण होता है। इसी तारतम्य में आज जिला गुना समिति का नवीनीकरण निर्वाचन पद्धति से किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार से उनकी जो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लड़ाई चल रही है वह यथावत जारी रहेगी, और वह प्रदेश सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार जल्द ही इनकी 5 सूत्रीय मांगों पर गौर कर इन्हें मान लेगी। पधारे, माल्यार्पण से स्वागत करें। भाई मजूमदार जी PWD से, वो भी पधारे। भाई गोपाल शर्मा जी और माल्यार्पण से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। गुना की परंपरा रही है कि हम अपने अतिथियों का पुरजोर स्वागत करते हैं, इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए। सिंचाई विभाग से भी हमारे जो साधु भाई दीवान साहब ENDM के, वो भी पधारे। सभी मध्य प्रदेश डिप्लोमा एसोसिएशन का जिले का अधिवेशन हो रहा है,
हमारे यूनियन का जो वो रहता है कि हर दो साल बाद हमारे प्रांत का निर्देश रहती है जिले कार्यकारिणी का चुनाव होते हैं, उसी तारतम्य में आज ये निर्वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। और इस निर्वाचन में अभी तक का जो इतिहास रहा है हमारे गुना जिले का कि निर्विरोध ही अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, प्रयास हम सबका ये है कि आज भी हम निर्विरोध अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। शासन स्तर से हमारी लड़ाई जारी है और जो हमारी 5 सूत्री मांग है प्रदेश सरकार से, हम इस आंदोलन जो अभी हमने स्थगित किया है अपेक्षा ये है कि वो हमारी 5 सूत्री मांगों का वो करे और जिससे नई ऊर्जा नई गति के साथ नई कार्यकारिणी बने तो वो प्रदेश में एक नया अभियान को हमें सहयोग करेंगे। बमोरी के ग्राम पंचायत चकलोड़ा की सरपंच ग्यारसी बाई, पत्नी नारायण आदिवासी, सचिव नन्नूलाल लोधा, रोजगार सहायक दिनेश किरार व ठेकेदार सुखवंत सिंह को जारी किया गया धारा 40 का नोटिस। साथ ही रोजगार सहायक एवं सेक्रेटरी को पद से हटाने हेतु कार्यवाही भी की गई है। उक्त कार्यवाही इन लोगों पर सीसी खड़ंजे के निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर की गई है। इनके साथ ही जिला पंचायत सीईओ नरेंद्र सिंह नरवरिया एवं बमोरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने अन्य कई ग्रामों का भी दौरा किया। बमोरी क्षेत्र में यह कोई पहला मामला नहीं है जब यहां मात्रा के हिसाब से गड़बड़ी का मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कॉलोनी पंचायत में इसी तरह का मामला सामने आया था। बमोरी क्षेत्र में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब इसकी कहानी तुमको पता है, इसको हम नहीं कहेंगे, इसी से हम खोद के देंगे, कल तुम्हारी सेवा समाप्ति का नोटिस तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चकलोड़ा पंचायत में निरीक्षण करने गए थे एक्चुअली आवासों का, आवास वहाँ काफ़ी जो आदिवासी बस्ती है उसमें लगभग पूर्ण ताप है, लेकिन किसी ठेकेदार ने ले रखा है काम तो वो थोड़ा सा धीमा करता है। उससे भी बोला सुखवंत सिंह है कि जल्दी से इसे पूरा करो नहीं तो आपको FIR करवाई जाएगी। और साथ साथ जो वहाँ फिर सीसी रोड का निरीक्षण किया तो वो सीसी रोड कम मोटाई पाई गई, लगभग मतलब जो 8 इंची का जो है अपना उसकी जगह 4-5 इंची थी, तो उस पर उनकी कार्रवाई के लिए जो वहाँ के सरपंच है, सरपंच तो वहाँ आदिवासी सरपंच है, इनके सरपंच पति मिले थे ग्यारसी भाई और उनके सरपंच पति नारायण मिले थे, ठीक है, नारायण आदिवासी, सचिव नन्नूलाल लोधा और रोजगार साहब दिनेश किरार, इन तीनों ही ने मिलकर रोड बनाई है तो इनको नोटिस दिया जाएगा और इन पर कार्रवाई भी हो सकती है, सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि उन्होंने जैसा जिला सीओ साहब श्री नरेंद्र सिंह नरवरिया ने कहा है। अब ये सोमवार को हो सकता है उनके ऊपर निलंबन की कार्रवाई की जाए और धारा 40 का नोटिस दिया जाए सरपंच को। सर ये कितने लाख की रोड थी लगभग? अब इसका अभी फाइलें वहाँ उपलब्ध ना होने के कारण गांव में तो उसका पूरा एस्टीमेट पता नहीं है, ये यहाँ से ऑनलाइन निकाल के और उनसे बिल मंगवा के तब इसका एस्टीमेट का प्रकरण बनाया जाएगा। हाँ कपासी, इसके कपासी में, कपासी के छतरपुरा गांव में तो वहाँ थोड़ा सा किया गया प्रेरित उन लोगों को काम करने के लिए, काम रुके हुए हैं घर वगैरह के, और छतरपुरा में पानी की समस्या थी तो तुरंत ही निर्देश दिए कि कल ही उसमें मोटर डलवाई जाए जो खराब हो गई थी। आरोन नगर जनपद पंचायत सभा कक्ष के एकात्म यात्रा के संबंध में पत्रकार साथियों के साथ अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी ने बैठक ली। इस बैठक में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी सहित समाज प्रमुख एवं समाज अध्यक्ष शामिल हुए। तत्पश्चात यात्रा को किस प्रकार सफल बनाया जाए और किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इन बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन द्वारा प्रचार प्रसार की जानकारी भी यहाँ उपस्थित जनों को दी गई। और पुजारियों को भी इस यात्रा में शामिल होते हैं जिससे संत समाज का काफी बड़ा समागम संजित हो सके। और गांव में भी जो भी मंदिर हैं, पुजारी हैं, बड़े माफी मंदिर नहीं है उनसे भी संपर्क करके उनको भी इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिले की मासिक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में गुना समेत सभी तहसीलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। साथ ही विगत 6 माह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किए गए सभी कार्यों की यहां पर समीक्षा की गई एवं आगामी कार्यक्रमों के लिए उन्हें दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। गौरतलब है कि अगले माह सीहोर में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल की प्रांतीय बैठक का आयोजन होगा, उसके संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा की गयी। प्रखंड बमौली से बमौली मेरा निवास है और प्रखंड बमौली से मेरे पास मंत्री का धन मैं महेश कुशवा बमौली से मोबाइल शॉप की दुकान है और बैंक धर्म प्रचार अपने बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की जिले की मासिक बैठक होती है। अभी प्रांत बैठक अगले महीने है सीहोर के अंदर, तो उस सब में जो 6 महीने के हमारे कार्यक्रम हुए हैं जुलाई माह से लेकर दिसंबर तक, उसकी समीक्षा कार्यक्रम कैसे हुए, कितनी संख्या थी, आने वाले जो कार्यक्रम हैं उसके विषय में जानकारी और इस सब के व्रत का संकलन करने के लिए आज की जो बैठक है। इसमें कहाँ कहाँ के मतलब कार्यकर्ता मतलब मौजूद हैं? नहीं, इस बैठक में अपने जिला बैठक में जो जिले के प्रखंड हैं, तहसील केंद्र हैं, उन केंद्रों की समितियों को बुलाया जाता है और जिले के लोग देते हैं। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीए के थर्ड सेम की परीक्षा कल से शुरू होगी। इस परीक्षा के लिए यहां सभी तैयारियां लगभग पूर्ण की जा चुकी हैं। आज कॉलेज प्रशासन की ओर से मीडिया को बताया गया कि इस परीक्षा में लगभग 3500 विद्यार्थी बैठने वाले हैं, जिनमें से प्रथम 800 को गांधी वोकेशनल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ ही बताया कि जो बच्चे गांधी वोकेशनल कॉलेज में ट्रांसफर किए गए हैं उनके प्रवेश पत्र पर भी ऑनलाइन उनका सेंटर गांधी वोकेशनल कॉलेज ही दर्शा रहा है। कॉलेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा में किसी भी प्रकार के मोबाइल या बैग वगैरह बिल्कुल न लाएं। यदि कोई भी परीक्षार्थी मोबाइल के साथ परीक्षा में पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। कल क्या है, बीए थर्ड सेम की परीक्षा है जिसमें 3500 विद्यार्थी बैठ रहे हैं। उनमें से जो प्राइवेट विद्यार्थी हैं, शुरू के 800 बच्चे हमने गांधी कॉलेज ट्रांसफ़र किए हैं। उनको अपने प्रवेश पत्र निकाले, उनके ऊपर सेंटर गांधी कॉलेज आ रहा है और संपूर्ण छात्र गांधी कॉलेज पहुँचे। बाकी जो 2700 बच्चे हैं इसी महाविद्यालय में बैठेंगे और छात्र अपना प्रवेश पत्र लेके आएँ, मोबाइल लेके ना आए, मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित है, बैग वैग लेके भी ना आए, पूरी सर्च होगी। यदि कोई छात्र मोबाइल लिए मिलता है तो EOFM केस दर्ज किया जाएगा। तो हाँ, उन्हें पहले से ज्ञात भी है कि उनका सेंटर गांधी कॉलेज है और जैसे ही प्रवेश पत्र निकालेंगे तो उसके ऊपर सेंटर गांधी कॉलेज फिर से लिखा आ रहा है। सर, एग्जाम को लेकर क्या व्यवस्थाएं कर रखी है? एग्जाम को लेकर के हमने पूरी तैयारी कर ली है। फर्नीचर किराए से मंगवाया गया है 800 बच्चों का और यहाँ पेवेलियन 1-2 जो मुखर्जी स्टेडियम है उसमें भी हमने 3 हॉलों में परीक्षार्थी बैठा ले हैं। 220 विद्यार्थी यहाँ बैठ रहे हैं, बाकी विद्यार्थी 2500 जो हैं वो उसी बिल्डिंग में बैठ रहे हैं। विगत रात्रि एक 35 वर्षीय युवक ने नशीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों की माने तो युवक ने कुछ लोगों से कर्जा लिया था जो उस पर लगातार पैसा देने के लिए दबाव बना रहे थे एवं उसे परेशान कर रहे थे, जिसके कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक का नाम सुरेश बैरागी बताया जा रहा है। साथ ही परिजनों का कहना है कि मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने अपने मौत के जिम्मेदार लोगों के नाम भी लिखे हैं। मृतक का आज जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम भी किया गया। नहीं, यही स्थिति, 4-5 लोगों ने उसे घेर रखा था कर्ज में और इसने ज़्यादा 10-20 हज़ार रुपये लिए होंगे लोगों से, तो 20 हज़ार के इसने 1.5-2 लाख 5 लाख वसूल रहे उससे, मतलब हर महीने उससे रोज के रोज वसूल रहे शाम को शाम को। उसको नहीं दी, उसको मार पिटाई करी उन्होंने, घर में ताला लगा दिया। बोले हम तो जान से मारेंगे, अब तो पेमेंट नहीं दिया। मैं तो उस गम में उसने आ गए, या तो इनने खिला दिया या उसने पता क्या किया है। क्या नाम था उसका?
उसके सुरेश बैराज कल आए दो लोग तो चैनल में ताला लगा गए और आज कल रात को उन्होंने मारपीट वगैरह करी और उनके निशान वगैरह भी आए डॉक्टर वगैरह। किस कारण मारपीट करी थी? कर्ज ले रखा था तो उन्होंने पटा भी दिए और फिर ब्याज 10% 20% ऐसे कर रहे थे। कौन कौन लोग थे? नाम तो सुसाइड नोट में लिख के चले गए राजेश और पाँच छः लोगों का नाम लिखा तो जेत इन्होंने गोली खा ली थी चल पास। क्या नाम था? बजरंग दल के बैनर तले आज किया गया विशाल वाहन रैली का आयोजन। यह वाहन रैली स्थानीय नजूल कॉलोनी के हनुमान मंदिर से शुरू हुई जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गौशाला स्थित सरस्वती स्कूल पर संपन्न हुई। इस वाहन रैली में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता जय घोष के नारों के साथ वाहनों पर चलते रहे। साथ ही इस विशाल वाहन रैली का कई जगहों पर भव्य स्वागत भी किया गया। विजयाना न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।